समय की बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से, जहां कोरोना संक्रमित मामलों की बढ़ती संख्या चिंता बढ़ाने वाली है। आज यानी सोमवार को प्रदेश में 106 पॉजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है, जिसमें 6 डॉक्टर और पुलिस आर्म्ड फोर्स के 49 जवान शामिल है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले में तैनात पुलिस आर्म्ड फोर्स की 11वीं बटालियन के डिप्टी कमांडेंट समेत 49 जवान पॉजिटिव पाए गए हैं। बता दें कि यूनिट से करीब 113 जवानों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे। सुबह आई रिपोर्ट में पहले बटालियन के 19 जवान पॉजिटिव पाए गए, जबकि दोपहर बाद यूनिट के अन्य जवानों की भेजी गई रिपोर्ट में भी 30 सैंपल पॉजिटिव पाए गए। 11वीं बटालियन से डिप्टी कमांडेंट समेत 49 जवानों के पॉजिटिव आने के बाद अन्य सभी अधिकारियों और जवानों को आइसोलेट कर दिया गया है। वहीं पॉजिटिव पाए गए 5 डॉक्टरों में स्किम्स का 1 डॉक्टर, डेंटल कॉलेज श्रीनगर के 2 डॉक्टर और SMHS ENT के 2 कंसल्टेंट डॉक्टर सहित उसी अस्पताल का रजिस्ट्रार भी शामिल है। इसी के साथ केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 1289 पहुंच गई है।